उसका कारण क्या है? कारण क्या है? बीजेपी में लूटने वाला नेता नहीं रुकेंगे, यहाँ से भागेंगे। बीजेपी में लूटने वाले नेता ने बाहरी नेता हैं, फिर नहीं लूट पाएंगे, फिर भगेंगे। हाँ, ये सब लूटने वाले नेता है। कोर्ट जाएगा, मोदी को वोट देंगे। निषाद हैं, निषाद हैं। मोदी को हम तो पूछे नहीं हैं। नहीं, हम बोल रहे हैं, अपने दिल से बोल रहे हैं। जोगी जी को वो तो कह रहे हैं पिछड़ों के साथ था, न्याय हुआ जो पार्टी छोड़ के गए। अरे ओके छोड़िए, हम ये देख रहे हैं जो रोड बन गया, मकान बन गया, उसको देख रहे हैं। पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं हुआ। कुछ मूर्ख खट्टे हैं, उनको लगा कि मैं पलरौना से हार रहा हूँ, बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही थी, इसलिए वो चले गए सपा में। अब उनकी बर्बादी है, अब जनता उनको एकदम नकार देगी, क्योंकि वह केवल मलाई चाहते हैं कि मलाई हमें मिले। वो कहते हैं मैं दलितों का नेता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा शोषण करने वाला दलित का नेता वही है। हमारे योगी जी को लोग कहते हैं दलितों के नेता नहीं, लेकिन आज मंदिर में जब भी वो आते हैं हर हफ्ते में जनता दरबार लगाते हैं, सबसे ज्यादा दलितों का ही सुना जाता है, सबसे ज्यादा दलितों का ही फरियाद होता है। अखिलेश जी का किए हैं बिजली के तारे पे कपड़ा पसारल जात रहल है, का काम किए हैं अखिलेश जी, का काम हुआ है? गरीब से लेकर अमीर तक सबको मिला राशन वगैरह वगैरह, का काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ये रोड पे हमारा गौरा गाँव, हमारे अखिलेश माने जीरो, अखिलेश माने जीरो। हाँ, गुंडा की सरकार थी, गुंडा की सरकार थी, ये बैंक से पैसा नोट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अखिलेश माने जीरो, हम बाबा को वोट देंगे। बस 32 वोट है आपके पास? हाँ, हमारे घर पे निषाद हैं। हाँ, 32 वोट है? हाँ, 32 वोट है। इधर लेके जाएंगे? जाएंगे बाबा के लगे, फूल पे डालेंगे। फूल पे और क्या? निषाद है, एक सवाल, एक सवाल। निषाद राज, नमस्कार। गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम बेलाकाटा में है, जो कि पिपराइज विधानसभा के अंतर्गत आता है। पिपराइज के विधायक हैं महेंद्र पाल सिंह। अब उनके कार्यों को जानेंगे, 5 साल में उन्होंने कितना विकास किया है, साथ ही योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को जानेंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए वो कितना विकास किए हैं। और आज ही उनका टिकट डिसाइड हुआ है कि वो गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने आ रहे हैं, राधामोहन जी शहर से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्ण गोपाल उपाध्याय। उपाध्याय जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश का माहौल किस तरफ जा रहा है? बीजेपी की तरफ जा रहा है, योगी जी की सरकार बनेगी एक बार फिर। उपाध्याय जी, आपसे मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ, सपा के लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है और जातिगत राजनीति को यूपी में कम से कम इनकार नहीं किया जा सकता जी। तो क्या सच है कि ब्राह्मण नाराज है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत होगा ही। अब कोई क्रिमिनल हो, आतंकवादी हो, बदमाशी करे तो उसके लिए तो गलत होगा ही, कानून सबके लिए एक होता है। तो ब्राह्मण और ये इससे जातिवाद से मतलब नहीं है, जो गलत करेगा उसका परिणाम गलत होगा। तर्क, सभा के लोग तर्क दे रहे हैं, धनंजय सिंह जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अरे तर्क देने वाले तो उल्टा सीधा बहुत कुछ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, विकास हुआ है। सपा के टाइम में लाइन मिलती थी, हफ्ते में आती थी, एक हफ्ते रात को, एक हफ्ते दिन को, इस टाइम 22 घंटे लाइन भी मिल रही है हम लोगों को। रोड अच्छी है, सबको राशन मिल रहा है, सबका है, सारा का सारा प्रोजेक्ट जो है अखिलेश यादव का है। वो खुद कहते हैं कि सर कोई बाबा जी है, जो कोई इनके पास कोई योजना नहीं है, इनके दिमाग में जो है इनको लैपटॉप चलाने नहीं आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो बाबा भी पढ़े लिखे हैं, उनके कहने से नहीं होगा। हाँ, पढ़े लिखे हैं, जनता मानती है उनको, काम किए हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, नीचे से उठकर वहाँ तक गए हैं, सीधे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर सीधे मुख्यमंत्री नहीं हो गए हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं और नीचे से जमीनी स्तर से उठे हुए हैं, चार बार सांसद हो के तब जाके हुए हैं। एक सवाल है, बीजेपी से, बीजेपी के ही नेता पार्टी छोड़ के चले जा रहे हैं चुनावी साल में, और स्वामी प्रसाद मौर्य, सैनी जी, तमाम लोग, वर्मा जी, शर्मा जी, तमाम लोग जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? और उन्होंने का एक ही आरोप है कि पिछड़ों की सुनवाई नहीं हुई, ये आप इस बात को मानते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी इसमें सुविधा मिला है सबको एक बराबर मिला है। क्यों पार्टी लोग छोड़, सबका साथ सबका विकास होता, क्यों छोड़ के जा रहे हैं? वो दल बदलू नेता है, बसपा में थे तो फिर देखे तो इसमें आ गए, फिर इसमें उनको नहीं चली, नहीं बनी, टिकट नहीं मिला उनको, तो फिर सपा में चले आ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक है तो फिर सरकार तो गिर जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, वो कोई ब्रह्मा कहा जाते हैं, कोई ब्रह्मा थोड़ी है कि वो जहाँ जाएंगे वहाँ सरकार बन जाएगी। उनका यहाँ इसमें नहीं चला तो उसमें चले गए, मतलब आपका मानना है कि इसमें नहीं चला, टिकट मांग रहे थे? हाँ हाँ, यही बात। क्या भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल, उनका अंगूर खट्टे हैं, उनको लगा कि मैं पलरौना से हार रहा हूँ, बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही थी, इसलिए वो चले गए सपा में। अब उनकी बर्बादी है, अब जनता उनको एकदम नकार देगी,
क्योंकि वह केवल मलाई चाहते हैं कि मलाई हमें मिले। वो कहते हैं मैं दलितों का नेता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा शोषण करने वाला दलित का नेता वही है। हमारे योगी जी को लोग कहते हैं दलितों के नेता नहीं, लेकिन आज मंदिर में जब भी वो आते हैं हर हफ्ते में जनता दरबार लगाते हैं, सबसे ज़्यादा दलितों का ही सुना जाता है, सबसे ज़्यादा दलितों का ही फरियाद होता है वहाँ पर। आज तो लोग कह रहे हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय, अकालियत के साथ अन्याय हुआ, तमाम आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ गई, अशिक्षा हो बढ़ गया। हम लगातार सरकार को चेताते रहे, 5 साल तक नहीं चेता तो हम पार्टियाँ छोड़ कर जा रहे हैं। पार्टी छोड़ के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाली। आज हमारे रूलर में गांव में चलिए, आज गांव की जनता इतना खुश है, योगी सरकार के साथ है, योगी सरकार फिर आएगी, क्यों आएगी। आज जिस सड़क पे आज खड़े हैं, आज के 5 साल पैसा ऐसा सड़क हमारे पिपराज ब्लॉक में पिपराज विधानसभा में नहीं था। और योगी जी के आने पर केवल गोरखपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की समुचित विकास हो रहा है, हर जिलों का विकास हो रहा है, हर विकासखंड का हो रहा है। आज कोरोना जब से 2 साल से महंगाई है सर, महंगाई कोई महंगाई नहीं है, आज महंगाई है तो इसी साथ कमाई भी है। आज हमारे गांव में हर वर्ग के लोग 100 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया, तभी 100 रुपये लीटर है, तब भी कांग्रेस के समय में भी 90 रुपया बिका था पेट्रोल, तभी तो जनता को डाल लग रहा है। बीजेपी के सपोर्टर नहीं, बीजेपी के सपोर्टर हैं रहेंगे भी, ही चकने में ही चकने। नहीं हैं रहेंगे भी, क्योंकि उसकी नीतियाँ हमको अच्छी लगती हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। अच्छा जी हाँ, और सुनिए गांव की बात बताऊं, आज 2 साल से कभी भी राशन की दुकानों पर किसी भी हमारे किसान भाइयों को राशन सही तरीके से नहीं मिल पाता था, आज बुला बुला करके राशन मिल रहा है। आज बेरोजगारी में 2 वक्त की रोटी आज हमारा गरीब उस राशन पा करके खा रहा है, और अभी पारचून तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, दाल चना मिल रहा है, ये क्या है। तो लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, फिर इतना कुछ सुविधा मिल रहा है तो फिर नेता छोड़ के चले भाई। आज हम इस घर में हैं, जो ये दल बदलू गए हैं, इनका टिकट कट रहा था, ये सोचे कि हम बीजेपी में नहीं रह पाएंगे, तो चलो सपा के साथ चलो बसपा के साथ, वही आए हैं, वही गए हैं जो बसपा से दामन छोड़कर भाजपा में आए थे। बसपा का जो दामन छोड़ के आए हैं वो भाजपा में चले, भाजपा में गए हैं। ठीक है, आप बताइए चाचा क्या नाम है? राम किशोर। अभी क्या करते हैं आप? हम तो किसानी काम करते हैं। क्या लग रहा है सरकार वापसी कर जाएगी? नहीं, लग तो रहा है सरकार यही रहेगी। और नेता तो छोड़ के जा रहे हैं पार्टियां? नेता जाने दीजिए, फिर दूसरा नेता आएगा, हाँ नया सदस्य जोड़ेंगे और अच्छा रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ दिए, आप भी पिछले समुदाय से आते हैं? नहीं नहीं, स्वामी प्रसाद छोड़ दिए तो दूसरे। पूरा नाम क्या है? राम किशोर चौधरी। चौधरी हाँ। आप जिसे मैं इसलिए पूछा हूँ, जाति पूछा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, धर्म सिंह सैनी हैं, तमाम लोग हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं पिछड़ों के साथ इस सरकार ने अन्याय किया। मतलब चुनावी साल में 5 साल वे रहे हैं लोग, और फिर आरोप लगाकर कि पिछड़ों के साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, ऐसा है आप इस बात? नहीं, नहीं हुआ है। नहीं हुआ पिछड़ों से, क्यों कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं दूसरे पार्टी में जाता तो दूसरे बदगोई सब जरूर बात करते हैं। हाँ, इस तरह की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। सरकार आप पर आरोप लगा रहे हैं, महंगाई है, तमाम चीज लगा रहे हैं। अच्छा, महेंद्र पाल जी यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय मुद्दों पर हम आएंगे जरूर। विकास किए हैं कि नहीं किए? किए हैं। हाँ, उधर लोग नाराज हैं? नाराज देखिए 100 में 75% भी नाराज हैं, लेकिन भाई विधायक किए हैं, जरूर किए हैं। बीजेपी सरकार बनी तो अभी तो बतिया वही कह रहे। हाँ तो भैया बीजेपी सरकार बनी तो बनेगा, अरे काम किए हैं सब। अखिलेश जी कह रहे हैं कम है। अखिलेश जी कहा किए हैं बिजली के तारे पे कपड़ा पसारल जात रहल है, का काम किए हैं अखिलेश जी, का काम हुआ है? गरीब से लेकर अमीर तक सबको मिला राशन वगैरह वगैरह, का काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ये रोड पे हमारा गौरा गांव, हमारा नाम है भैया, हमारा गौरा गांव, नाम क्या आप? मुन्ना सिंह, और गौरा हमारा घर है। ये रोड पे इतना पानी लग रहा था, अभी कुछ नहीं है। हाँ बसरते हम। चाचा क्या नाम है आपका? नहीं हम नहीं कुछ बोलते हैं भैया, बोलते ही नहीं है ना। आप बोलेंगे, आप बताइए, जो योगी आदित्यनाथ का जो 5 साल का कार्यकाल है उसको आप किस रूप में देखते हैं? अच्छा का विकास के रूप में हम देखते हैं, विकास हुआ, इतना विकास आतल कोई सरकार नहीं किया है। यही रोड है, ठेहुन ठेहुन भर गड्ढा था, वो इसके पहले भी तो सरकार थी लेकिन रोड का ध्यान नहीं देती थी। हाँ योगी जी हुए ऐसा बढ़िया बढ़िया रोड हो गया, अब क्या चाहिए, विकास ही ना है। जो नेता जो जा छोड़ रहे हैं पार्टी, उसका कारण क्या है? कारण क्या है? बीजेपी में लूटने वाला नेता नहीं रुकेंगे, यहाँ से भागेंगे। बीजेपी में लूटने वाले नेता नहीं, बाहरी नेता हैं, फिर नहीं लूट पाएंगे, फिर भागेंगे।
हाँ ये सब लूटने वाले नेता है, क्या वोट दिलाएगा? मोदी को वोट देंगे, निषाद हैं, निषाद हैं। मोदी को हम तो पूछे नहीं हैं। नहीं हम बोल रहे हैं, अपने दिल से बोल रहे हैं जोगी जी को। वो तो कह रहे हैं पिछड़ों के साथ था, न्याय हुआ जो पार्टी छोड़ के गए हैं। अरे उसके छोड़िए, हम ये देख रहे हैं जो रोड बन गया, मकान बन गया, उसको देख रहे हैं। पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं हुआ? कुछ नहीं, जाने दीजिए पिछड़ा, जाने दीजिए। माफ कर रहे हैं आप? हुआ है, हम हुआ है, हाँ हुआ है, काम हुआ है कि अन्याय हुआ है? अन्याय हुआ है, रोड नहीं बना था, नहीं मकान बना था, नहीं लाइट रूम बना था। अखिलेश की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? अखिलेश माने जीरो, अखिलेश माने जीरो। हाँ गुंडा की सरकार थी, गुंडा की सरकार थी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? अखिलेश माने जीरो, हम बाबा कोट देंगे बस। 32 वोट है आपके पास? हाँ, हमारे घर बाबा निषाद हैं। हाँ 32 वोट है? 32 वोट है। इधर लेके जाएंगे? जाएंगे बाबा के लगे, फूल पे डालेंगे, फूल पे। और क्या निषाद है? एक सवाल, एक सवाल, निषाद राज नवाज संजय निषाद। हाँ बोलिए। संजय निषाद जो है बीजेपी के साथ अलायंस कर लिए? हम नहीं जाने, संजय सिंह हमारे गांव प्रधान है, हम उनको जानते हैं। संजय निषाद को नहीं जानते हैं? हम नहीं जानते हैं, देखे नहीं है उसको जी। अच्छा आप बताइए, देखे नहीं है? बोलेंगे कार्यकाल जो है बीजेपी कार्यकाल का, जो कार्यकाल है 5 साल का, वो कैसा लगा? अंतर देखिए इतना ही है, जब आम पब्लिक, जब आम पब्लिक से आप चर्चा लिए होंगे, मतलब हमको याद है कि इसी सड़क की बात हो रही है कि इसके पहले जो विधायक थे, जो लोग कह रहे हैं विधायक नहीं किए हैं, इसके पहले जो विधायक थे 40% में स्कूल में बेचते थे निधि, ये विधायक हैं, कोई माइका लाल पैदा हो विद्यालय वाला, उनके रिश्तेदारों का विद्यालय है, किसी विद्यालय में नहीं दिए हैं, कोई गांव नहीं बचा है। मान के चलिए कि कोरोना काल में जो आपके हिसाब से अच्छा काम उनके लिए आदमी है, जो चाहे जहां बतियाला जैसे चाहे वैसे बात कर लें, मरनी जीनी शादी ब्याह जब भी लोग कोई व्यक्ति बुलाया। पूरा नाम क्या है? रामबदन सिंह है। अभी पिछड़ी समुदाय में आते हैं ना? जी जी, मैं फिर सवाल कर रहा हूँ जी, पिछड़ी अगड़ी का मामला आ गया तो नहीं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है जी जी, और धर्म सिंह सैनी ने कि पिछड़ों और दलितों के साथ इस सरकार ने अन्याय। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा से थे, बगल में पड़रौनास थे, अगर उनको चैलेंज हम देते हैं कि आकर वहाँ चुनाव दोबारा लड़ना, वो भाजपा की लहर में जीते, और पिछड़ों के नेता की बात करते हैं ये लोग खनन माफिया हैं, वो चाहे कि भाजपा में आएंगे तो वही काम कर लेंगे। इन भाजपा में कोई कितना ही बड़ा हो, यहाँ पर जो लूटने वाले हैं वो नहीं चल पाएंगे। जो लूटने इधर से जय श्री राम, बीजेपी सरकार जय श्री राम, जय श्री राम की सरकार। और क्या, ये थे पिपराइज विधानसभा के लोग, इनका साफ तर्क है 2022 के विधानसभा में चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार की पुनः वापसी होगी। इसका कारण इन्होंने दिया है महंगाई को अलग आंकते हुए, इनका कहना है कि सड़कों की स्थिति बेहद ख़राब थी और सड़कों की स्थिति बेहद बेहतर है, इसका कारण और कुछ हमने जब इनसे तर्क किया, पिछड़े समुदाय के लोग थे, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो आरोप लगाया था उस पर इन्होंने साफ कहा कि वो कई टिकट चाहते थे और चुनाव हारने की स्थिति में थे, इसलिए वो पिछड़ों की राजनीति चुनाव के अंतिम चुनावी परिणाम जो स्थिति है उस पर करना चाहते थे। ऐसे न खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव, हमारा कारवां किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक।